नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं टीटीएन न्यूज 24। जमीयत उलेमा उत्तर प्रदेश का प्रांतीय प्रबंधक कमेटी अधिवेशन मुरादाबाद के जामा मस्जिद पार्क में हो रहा है आयोजित। जमीयत उलेमा के हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी मुसलमानों के नेताओं के बारे में समझाते हुए नजर आए। मदनी ने साफ कहा कि देश में मुसलमानों को गालियां देकर मलाई काटी जा रही है। मदनी ने मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने इलाकों में ऐसी जमात बने जो कुछ भी गलत होने पर विरोध में काले झंडे लेकर खड़े हो जाएं। मुल्क में बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है, किस तरह चाइल्ड लेबर में बच्चे लगे हुए हैं, किस तरह स्कूलों में मामला हो रहा है बच्चों के साथ, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से मुसलमान होने की वजह से पिटवाया जाता है, चेयरमैन साहब को पता नहीं। एक बच्चे को स्कूल का के प्रिंसिपल या टीचर दूसरे बच्चे से मुसलमान होने की वजह से उससे पिटवाती है, चेयरमैन साहब गायब। और हमारे मदरसों से परेशानी है उनको, हमारे मदरसों से उनको परेशानी है। मैं उन्हें क्या कहूं, कहेगा उन्हें सुनेगा कौन मेरी चाक दामाने का अफसाना। यहां सब अपने अपने पैरहन की बात करते हैं, उनकी बातें सुनो, उनकी पिछली में एक तकरीर आई, उनकी बातें सुनो तो ऐसा लगता है मुसलमानों को गालियां देकर अपनी मलाई काट रहे हैं। बस फैशन बन गया, सबसे आसान काम है मुसलमान को इस्लाम को गाली देना। पूछे उनसे कोई क्या करे, जितनी बातें उन्होंने मदरसों के बारे में कही है भैया उसकी रिसर्च खुद ही कर लो, कितनी बातें सच है कितनी झूठ है। आप जाते हैं अपनी काबिलियत को झाड़ते हैं एक मजमे के अंदर तकरीर कर रहे हैं, आप एनसीपीसीआर के चेयरमैन हैं, जरा देखिए उसको शर्म कीजिए, एक तहकीक तो कर लीजिए कि क्या बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हमारा सारा निजाम बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कोई हमारे पास गलती भी होगी, जरूर होगी, और कोई गलती है तो उसे ठीक भी करने को तैयार है, हमेशा तैयार है ठीक करने को। मान लिया हमारे मदरसे में कोई ऐसी चीज हो रही हो, हमारे मस्जिद में कोई ऐसी बात हो रही हो, हमारी जमीयत में कोई काम गलत हो रहा हो, हमारी तकरीर में कोई काम गलत हो रहा हो, हमारी ट्रेनिंग में कोई काम गलत हो रहा हो, हम ठीक करने के लिए हमेशा तैयार है और सबको ठीक करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन चेयरमैन साहब बेचारे तहसीब भी नहीं करते, तकरीर को तकरीर लगाए हुए हैं। अब उन्हें क्या कहेंगे, चाहे कहे वो हम कहना नहीं चाहते, अपना मुंह नहीं खराब करना चाहते, गंदा नहीं करना चाहते, सारी गंदगी तुम्हें मुबारक, सारी जिहालत तुम्हें मुबारक। मैं ना गंदी 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 बात करना चाहता हूं, ना गंदगी फैलाना चाहता हूं, और ना जिहालत में जाना चाहता हूं। तुम्हें तुम्हारी मुबारक हो, जिस जो तुम्हारी हैसियत है वो तुम कर रहे हो, बना दिया है ऐसे लोगों को चेयरमैन, तो क्या करेंगे आप। भाई किसी पढ़े लिखे आदमी को, समझदार आदमी को बनाया होता जो मुल्क को बनाने की फिक्र करता, जो कौमों को जोड़ने की बात सोचता, जो वाकई इसमें लाने की फिक्र करता, जो वाकई चीजों को ठीक करने की फिक्र करता। जब कोई वाकई ठीक करने की फिक्र करेगा तो वो स्कूल को भी देखेगा, कॉलेजों को भी देखेगा, सड़कों पर फिरने वाले बच्चों को भी देखेगा, भीख मांगने वाले बच्चों को भी देखेगा, उनकी आंख के लिए नाक के नीचे बच्चे भीख मांग रहे हैं, मंगवाई जा रही है, उनको होश भी नहीं, उनको मजे में है। चेयरमैन साहब 300 साल पुरानी बात उन्हें याद आ रही है, सुभान अल्लाह। तो इससे ज्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, कहने को तो बहुत कुछ है। उनको यह भी नहीं कहना चाहता कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊं कि तुमने क्या क्या गलत कहा है, उसे ठीक कर लो भैया, कम से कम सही बात तो कहो, वो भी नहीं कहना चाहता, वो इस काबिल भी नहीं है। चेयरमैन तो काट लो मलाई, वो अच्छा जुमला मैंने कहीं पढ़ा, किसी साहब ने लिखा, गालियां देके मलाई काट रहे हैं, बस आसान है।
पढ़ना नहीं पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। सही बात है, वो दिल में एक नफरत है, कैसे उसका इजहार करेंगे। वोट बेदारी की बात आई, मैं वोट देने की बात नहीं करता, लेकिन वोटर लिस्ट को सही करना और उसको सही करवाना यह आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी। अगर उस जिम्मेदारी को हमने अदा नहीं किया आज की तारीख में, तो हम मुजरिम होंगे। समझ लीजिए, ये जुर्म हमारे ऊपर आएगा, नस्लें माफ नहीं करेंगे। आपको बेदार होना है, कुर्बानी देनी है, जिद्दोजहद करनी है, कोशिश करनी है। कोई एक बच्चा बच्ची जो उम्र हो चुकी है और उसको इंक्लूड होना है उस लिस्ट में, वो बचना नहीं चाहिए। लिस्ट ठीक ठीक कराइए, जिसका इंतकाल हो गया उसका निकलवाइए, वो रहना नहीं चाहिए। जो नहीं चला है वो चल जाना चाहिए। शादी करके लाए तो फिर फौरन वहां से करवाना चाहिए, यहां चलवाना चाहिए, और कोई दूसरा नहीं करेगा। ये हमारा और आपका काम है, जमीयत उलमा का काम है। अगर हम ये दावा करते हैं कि हमारा ताल्लुक जमीयत उलमा से है, या तो काम कर लीजिए, ध्यान जाइए, हमारा अधिकार नहीं रहेगा फिर इस जमीयत उलमा से वाबस्ता रहने का। अगर हम आराम से सो गए, अगर हमने मेहनत नहीं की, अगर हमने कुर्बानी नहीं की, अगर हम गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले नहीं घूमे, जरूरी काम है। जैसे मतलब कायम करना जरूरी कामों में से सबसे जरूरी काम है ईमान की हिफाजत करना। फिर दुनियावी लिहाज से देखें तो फिर कागजात का सही करना हमारा सबसे जरूरी काम है। ये मजाक नहीं है। तूफान गुजर गया है सरों और आराम से, आराम का वक्त नहीं है, काम का वक्त है, मेहनत का वक्त है, तवज्जो का वक्त है, इखलाक को दुरुस्त करने का वक्त है, सब्र और तहम्मुल के साथ सबसे सिकंदरी बन जाने का वक्त है। जो सब्र नहीं कर सकता वो शुक्र भी नहीं कर सकता। बेशुमार नेमतें परवरदिगार आलम ने